हमारे किचन में बनने जा रहा है एक गाजर मूली अदरक और मिर्च का इंस्टेंट 5 मिनट वाला अचार। क्यों? क्योंकि सीजन है यार। सर्दियों के सीजन में जब हम खाते हैं गर्मा गर्म पराठे तो उनके साथ अचार का कुछ अलग ही मजा होता है, और वो अचार भी अगर आपको सीजनल वेजिटेबल्स का ही मिल जाए तो इससे बेहतर क्या बात। तो इसीलिए आज बना रहे हैं ये गाजर मूली अदरक और हरी मिर्च का अचार। तो यहाँ कट कर ली है मैंने 2 गाजर और अब ऐसे ही लंबे लंबे टुकड़ों में 2 इंच के पीसेस में मैं मूली को भी कट कर लूंगी। जानते हैं आज की रेसिपी की खास बात क्या है? ये नहीं कि मैं आपको एक इंस्टेंट गाजर मूली का अचार बनाना सिखा रही हूँ, बल्कि ये कि कैसे आप अपने ग्लास जार को हींग के धुएं के साथ अचार के लिए स्टरलाइज करेंगे ये बता रही हूँ। तो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये लीजिए भाई, हमारी मूली भी कट गई। अब इसी तरह से अदरक को भी लंबे लंबे पीसेस में हम कट कर लेते हैं। अदरक भी कट गई, अब इसे भी हटा देते हैं। मिर्च को भी मैंने पहले से धो करके अच्छे से पोंछ करके सुखा करके रख लिया है, और अब इसे मैं बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। ऑल माई वेजिटेबल्स कट एंड चॉप्ड। अब इसके लिए एक अचार का मसाला बना लिया जाए। अचार का मसाला बनाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक 3 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ये देखिए, ये काली वाली सरसों है। अब इसी के साथ साथ मैं जो महीन वाली सरसों होती है यानी कि राई, वो भी लूंगी 2 टेबलस्पून। और इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच सौंफ, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि काली मिर्च के दाने, 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी मैं इसमें होल कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, और 1 चम्मच जीरा भी। अब इन सबको लाइटली रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा कलर्ड और फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। देखिए अब ये स्पाइसेस चटकने भी लग गए हैं और बढ़िया खुशबू भी आ गई है। गैस को करते हैं बंद और इनको पहले हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इनको मिक्सी में पीस करके इनका एक कोर्स यानी कि दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हाँ, ढक्कन खोलते ही इतनी बढ़िया इसकी खुशबू आ गई। मसाले अच्छे से भून चुके हैं और कोर्सली मैंने इनको पाउडर किया है। ये देखिए, फाइन पाउडर इसको नहीं करेंगे। अब इन मसालों को एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इन पिसे मसालों में हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, इसी के साथ 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, और ऐड करूंगी 1 टीस्पून कलौंजी। मिक्स दीज टुगेदर, अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए, और ये एक बेसिक अचार मसाला हमारा रेडी हो गया। तो जैसे ये अचार मसाला बनाकर मैं गाजर मूली इसका अचार डाल रही हूँ ना, आप इस मसाले को और ढेर सारे अचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन का अचार, करौंदे का अचार, कटहल का अचार, या जब सीजन आए तो आम का अचार भी। तो मसाला भी डन, वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग ऑल्सो डन। अब क्या किया जाए, अचार बनाने के लिए तेल गरम किया जाए। कढ़ाई में ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1.5 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। रिफाइंड ऑयल से कभी भी अचार डालने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, तुरंत अचार खराब हो जाएगा। अब इस तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें धुआं आ चुका है। देखिए, अब इसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें 1 चम्मच नमक, और तेल को हम क्लैरिफाई कर लेंगे। और अब ये देखिए, मेरे पास है यहाँ पर 3 टेबलस्पून मेथी के दाने, जिन्हें 3 से 4 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था और उसके बाद ड्रेन आउट करके रख लिया है। ये मेथी के दाने ऐड करूंगी मैं अपने अचार में। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये जो मसाला हमने बनाया है ना, अचार का मसाला, ये सारा मसाला भी। अब
ये सारी वेजिटेबल्स को इस गर्मा गर्म तेल में मैं केवल 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। जस्ट स्टर देम इन एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस 3 tablespoons ऑफ व्हाइट विनेगर, यानी कि सफेद सिरका। जानते हैं ना केवल ये एक अच्छा सा फ्लेवर देगा बट दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, जिससे हमारा अचार खराब नहीं होगा। अब इसमें 1 tablespoon नमक मैं और ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद इसे एक क्लीन स्टरलाइज्ड ग्लास जार में फिल करके रख लेंगे। अब आती है बारी उस स्पेशल ट्रिक की, उस खास टिप की जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि कैसे मैं अपने ग्लास जार को हींग यानी कि एसाफेटिडा के साथ स्टरलाइज करूंगी, जिसके लिए पहले मैं यहां चढ़ाने जा रही हूं 2 कोयले के टुकड़े गर्म करने के लिए। अब एक छोटी सी स्टील की कटोरी में ये बर्निंग कोल को मैं यहां पर निकाल लूंगी। देखिए इस पे अच्छे से अंगार आ चुका है, ये एकदम लाल हो गया है। अब 1/2 teaspoon ऑफ हींग मैं इस जलते हुए कोयले पे डालूंगी और उसके बाद ये जार को इमीडिएटली इन्वर्ट करके इसके ऊपर रख दूंगी और तब तक वैसे ही छोड़ दूंगी जब तक इसका पूरा का पूरा धुआं जो है वो सेटल नहीं हो जाता। अब 10 मिनट के बाद इस कंटेनर को आप अलग कर दीजिए और हींग यहां से हटा देते हैं। अब इस कंटेनर में अचार फिल करके हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखा आपसे कहा था ना, झटपट से ही बना लेंगे हम अपना गाजर मूली अदरक और मिर्च का अचार और इस अचार को आपको घंटों या दिनों दिनों तक धूप दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इंजॉय कीजिएगा इसे अपने फेवरेट मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे के साथ। अच्छा आप ही बता दीजिए आप इस अचार को किसके साथ इंजॉय करेंगे। एक अचार ही नहीं, उसके साथ साथ अचार का मसाला और मेरी स्पेशल टिप हाउ टू स्टरलाइज योर ग्लास जार विद एसाफेटिडा यानी कि हींग, ये भी आज आपको सिखा डाली।